एडवोकेट टास्क फोर्स द्वारा कोर्ट को यथावत बनाए रखने तथा प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रस्तुत एक झलकी एवं एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अंश। विवेक तनखा जी का सद्बुद्धि देई, अजय सिंह राहुल जी का सद्बुद्धि देई, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी का सद्बुद्धि देई, सीएम कमलनाथ जी का सद्बुद्धि देई, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी का सद्बुद्धि देई, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय का सद्बुद्धि देई, बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय का सद्बुद्धि देई, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी का सद्बुद्धि देई। आज आप लोग को वकीलों को क्या जरूरत पड़ी ये भी करने की? आज कोर्ट बचाओ संघर्ष समिति और एटीएफ के पदाधिकारी और हमारे सभी जिले के जनसंगठन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ 2017 से बीजेपी सरकार ने जिला न्यायालय भवन को हटाने का षड्यंत्र रचा, लगातार 5 साल से आंदोलन चलते रहे और उसी आंदोलन दौरान जब विधानसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी की यहीं पर चुनावी सभा थी रीवा शंकर मंदिर के सामने, यहीं पर कोठी कंपाउंड में, और यहीं उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार वरिष्ठ नेता सीधी से लोकसभा प्रत्याशी माननीय अजय सिंह राहुल जी ने यहीं घोषणा किया था और माननीय विवेक तनखा जी जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में ये घोषणा किया था कि यदि हमारी सरकार आई तो जिला न्यायालय भवन कहीं नहीं जाएगा, यथा स्थान पर ही रहेगा। लेकिन सरकार बदल गई, 4 महीने पूरे हो गए और कोर्ट का काम निरंतर इंजीनियरिंग कॉलेज में जारी है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज रीवावासी समस्त संगठनों के लोग आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किए हैं कि शंकर जी उनको सद्बुद्धि दे कि रीवा कोर्ट भवन को वो यहीं पर यथावत रखें। अगर ये यज्ञ के बाद भी अगर ये बातें आपकी नहीं मानी गई कांग्रेस सरकार ने, अगला कदम क्या रहेगा? तो लगातार आंदोलन चलेंगे 5 साल तक इस सरकार में, यदि सरकार ने अपने वचन वादा को निभाने का काम नहीं किया। क्या आप लोग कांग्रेस में पार्टी के लिए क्या कोई वोट के भी सहयोग करेंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ न्यायालय का सवाल है, मताधिकार का प्रयोग अलग है, अपने अपने विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोग सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार नहीं जाएगी तो 5 साल तक निरंतर आंदोलन चलेगा।